भाई साहब गाइस वेलकम बैक टू गाइस आर्क सर्वाइवल असेंडेड। एंड गाइस कल एक भाई ने कमेंट करा था कि बोल भाई आपका दाढ़ी है ही नहीं, तो दाढ़ी इज हियर। ठीक है, दाढ़ी भी आ गया। एंड गाइस एक भाई और कमेंट कर रहे थे कि बोल भाई ये आर्क सर्वाइवल असेंडेड नहीं, ये आर्क सर्वाइवल रियल है। हाँ गाइस ये एकदम रियल की तरह ही है। गाइस पूरा डिटेल देखो ना ब्रो, ये गेम ना एकदम रियल की तरह ही है। एंड गाइस आज मेरा बहुत ही बड़ा एक मकसद है, और आज जो मकसद है ना ब्रो, आज मेरा मकसद यही है कि गाइस आज मुझे इस ट्राइसराटॉप्स को जैसे तैसे करके पकड़ना है, इसको पकड़ना है ना, इसको मारना है। एंड उसके लिए गाइस मैंने मॉर्टर एंड पेस्टल तो बना लिया है, जैसे कि आप लोग देख पाओगे यहाँ पे है मेरा मॉर्टर एंड पेस्टल। बट अब मेरे पास 34 एनग्राम पॉइंट्स है, नार्कोटिक तो खुल चुका है, स्पार्क पाउडर भी खोल लेता हूँ, एंड ये क्लब भी खोल लेता हूँ, पैरासोर सैटल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये क्रॉप फ्लॉट भी खोल लेता हूँ, जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मुझे उसको खोलना है, ये लेडर खोल लेता हूँ, एंड देन गाइस गन पाउडर भी खोल लेता हूँ। एंड और क्या खोल सकते हैं गाइस? हाँ गाइस ये हाइड वाला चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। यस गाइस जो जो इंपॉर्टेंट सामान हैं सारा कुछ मैंने खोल लिया है। अब गाइस नार्कोटिक बनाने के लिए मुझे ढेर सारे क्या चाहिए होगा, ढेर सारे मुझे चाहिए होगा नार्कोबेरी। ठीक है, तो यहाँ पे 19 नार्कोबेरी मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब स्पॉइल मिल भी चाहिए होगा, जो कि मेरे पास दो है। यस अब थोड़ा सा बना लेते हैं, दो ही बना पाएंगे। ओके दो ही बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, देखते हैं गाइस क्या मैं अभी ही नार्कोटिक एरोज बना पाऊंगा। आई डोंट थिंक सो मैं अभी नार्कोटिक एरोज बना पाऊंगा। ठीक है, एक मिनट इसको ट्रांसफर कर देता हूँ, क्राफ्टिंग में जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं एरो मारूंगा, ओ इसको बना पाएंगे यार, कितना? अच्छा मैंने कितना बनाया, आई थिंक दो बनाया ना, दो से तो काम चलेगा नहीं ब्रो। ठीक है, दो से एकदम काम चलेगा नहीं, तो और थोड़े से मुझे नार्कोबेरी चाहिए होगा। ओ भाई जल्दी से जल्दी से, एक बार यार ट्राइसरटॉप्स हाथ में लग जाए ना, फिर गाइस बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो जाएगा, क्योंकि गाइस फिर तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा हाई तादाद में गाइस चीज़ों को कलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, बेरीज वगैरह बहुत हाई तादाद में कलेक्ट कर पाऊंगा। एंड गाइस आज मैं घर का थोड़ा सा ऊपर वाला काम भी करूंगा। जी हाँ गाइस, एंड नार्को बेरीज इधर फिर से रख देता हूँ। एंड गाइस एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं यार, एंड वो चीज़ एक मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ। वो चीज़ ये है कि गाइस मैंने टर्टल लेफ के ऊपर गाइस सेडल लगा दिया है। एंड गाइस ये अपना बढ़िया स्पीड में जाता है ब्रो, पानी में इसका स्पीड एक अलग ही लेवल में जाता है। सो आई विल शो यू। ठीक है एक मिनट, अरे टर्टल डेफ थोड़ा सा पानी में जा ले ब्रो, थोड़ा सा पानी में जा ले। यस गाइस ये पानी में जाने वाला है, अभी आप लोग इसका स्पीड देखिएगा। एंड गाइस आज मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ये देख रहे हो, ओ भाई साहब, लेकिन पानी के अंदर थोड़ा सा खतरनाक चीज़ें भी है। ठीक है, यहाँ पे गाइस ओके इचियोसोरस भी है, यहाँ पे मेगलाडोन्स भी है, मेगलाडोन्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। क्या गाइस मुझे क्रिस्टल मिल सकता है? मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मुझे क्रिस्टल मिलेगा। थोड़ा सा और पानी के गहराई में जाते हैं ब्रो, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। ठीक है, एंड ये इचियोसोरस, कितने सारे इचियोसोरस मेरे पास में आ गए हैं यार ब्रो, बहुत सारे इचियोसोरस आ गए यार। एंड गाइस मेरा ऑक्सीजन मीटर भी कम हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर में ही जा लेता हूँ। ठीक है, ऑल राइट गाइस, ओके यार क्या बढ़िया ग्राफिक है ना ब्रो, क्या बढ़िया ग्राफिक है। क्या गाइस मैं अपने टर्टल डेफ को ले करके इस ट्राइसरटॉप्स को मार पाऊंगा? शुड आई ट्राई, देखूं क्या ये मर जाएगा आई थिंक। चलो मारते हैं, ओके मार रहा हूँ इसको, शिट मार तो रहा हूँ ब्रो, बट ये भी बहुत गंदी तरीके से मेरे को पेल रहे। ओए ओए, साथ ही साथ एक मिनट गाइस मैं इसको ऐसे भी मारूंगा। ओके अगर इसको मैं मार देता हूँ ना, फिर गाइस मैं बेबी को आराम से पकड़ पाऊंगा। आजा, ओह शिट, अब गाइस चलो मैं तो इसको मार पाऊंगा, बट ये मेरे को पानी में नहीं मार पाएगा। चलो गाइस मारते मारते मारते, कहाँ पे चला गया? आजा 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 यार, टर्टल डेफ को पानी में नहीं मार पाएगा ब्रो, टर्टल डेफ को पानी में नहीं मार पाएगा ब्रो। ट्राइसरटॉप्स यू आर अबाउट टू गेट फिनिश्ड गाइस, इसको मारना ही पड़ेगा मुझे, इसको मारना ही पड़ेगा। एंड आई थिंक मैं इसको मार भी आराम से पाऊंगा, क्योंकि इसका पूरा बॉडी घायल हो चुका है जैसे कि देख पा रहे हो। अरे यार टर्टल डेव एक टैंकी डायनासोर है यार, एंड बच्चे को देख सकते हो यार, मर गया मर गया। आप गाइस मुझे ढेर सारे यहाँ पे हाइड वगैरह मिलेगा, ये देख रहे हो हाइड मीट बहुत सारा मिल रहा है। ओ ओके मिल रहा है, ओ दोनों ही टूट चुके। एंड नाउ गाइस मुझे इस बच्चे को पकड़ना पड़ेगा, बेचारा बच्चा, तू टेंशन मत ले यार, मैं तेरे को यार बड़ा करूंगा ना दोस्त। इसके लिए मुझे ये क्लब बनाना पड़ेगा, एंड हो जाएगा। एक मिनट गाइस,
आई विल डू इट. मुझे थोड़े से लकड़ियाँ चाहिए था मैन इसको बनाने के लिए. वुड, हाँ वुड ही मेन प्रॉब्लम है एंड वुड ही चाहिए मेरे को. अब मुझे घूसा मार के वुड कलेक्ट करना पड़ेगा. यस, पहले ना इसको बना लेता हूँ, फिर गाइस मैं ज़्यादा तादाद में वुड को कलेक्ट कर पाऊँगा. यस गाइस, यार टर्टल डेव का पावर आप लोगों ने देखा ना, टर्टल डेव ओपी है यार. अब चलो गाइस, अब ये क्लब कहाँ पे है, ये चलो गाइस इसको बनाते हैं. एंड देन गाइस उस छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को टेम करते हैं. बट मुझे डर सा लग रहा है, डर इस बात का है क्योंकि गाइस कहाँ पे चला गया ये, तेरा मम्मी आसपास में नहीं है ना ब्रो, ये मर जाएगा क्या गाइस मुझे. ओ नहीं नहीं, इम्प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मम्मी मर गया है ना, मम्मी मर गया है इसलिए गाइस मैं डायरेक्टली इसको इम्प्रिंट कर सकता हूँ. छोटू, इसका नाम छोटू रखेंगे ठीक है. छोटू तू टेंशन मत ले, ये जुवेनाइन स्टेज में है. बट डू नॉट वरी गाइस, इसका मेच्योरेशन लेवल जैसे कि देख पा रहे हो, 8 मिनट में इसको केयर करना पड़ेगा. तो जितने भी मेरे पास बेरीज है तू ये ले ले ठीक है. तू टेंशन मत ले यार, तेरे को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डायनासोर बनाऊंगा एंड जितना तेरे को चीज़ें चाहिए मैं तेरे को देने वाला हूँ. खा ले बेटे खा ले ठीक है. एंड मुझे भी भूख लग रहा है एंड मेरे पास कोई मीट वगैरह तो पड़ा है नहीं ब्रो. तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले ठीक है. तू मेरे को फॉलो कर. कम यार बड़ी हो बेचारा, कितना क्यूट है यार ब्रो, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्यूट है. रुक जा, मैं फटाक से कुछ खाना खा लेता हूँ. एंड हाँ, इसको करता हूँ इधर ट्रांसफ़र, वुड को भी इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लाइट करता हूँ. खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा यार. इसका देखता हूँ सीन कहाँ पे चला गया. ब्रो तो भटक मत जाना ठीक है, भटक मत जाना यार. 23% गाइस इसका मेच्योरेशन लेवल हो ही चुका है. मतलब गाइस ये जुवेनाइल स्टेज से गाइस एडोलेसेंट लेवल में आ जाएगा यार. ब्रो यार कितना रियलिस्टिक बनाया है गाइस इस बार इस गेम को यार. आर्क सर्वल डेवलपर्स हैट्स ऑफ टू यार, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही प्यारा है. एनीवेज गाइस ये मेल है कि फीमेल है, ये मेल ही है ना ब्रो, ये मेल है ना. ओ ये मेल है गाइस. एंड ये बहुत मस्ती से खा रहा है मैन. ओके खा ले बेटे, खा ले. 29% गाइस जैसे कि देख पा रहे हो इसका मेच्योरेशन लेवल हो चुका है. एंड अब तक सो शायद से गाइस ये भी हो चुका है, एक मिनट, खाना भी हो चुका है. यस इसको ले लेता हूँ. खा ले भुक्कर, खा ले जल्दी से खा ले, थोड़ा सा पेट फुल हो गया है ना. एक मिनट, ये कहाँ पे चला गया है. टर्टल डेव तो पानी में ठीक है ना. आ जा. 33. ओके. ये बहुत फास्ट तरीके से खा रहा है मैन. कैन यू वेट फॉर फ्यू सेकेंड, मुझे कुछ बेरीज कलेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए ठीक है. फटाक से कुछ बेरीज कलेक्ट कर लेता हूँ यार. मैंने बोला था ना कि गाइस एपिसोड नंबर 3 में मैं कुछ धमाल करने वाला हूँ, ट्राइसरटॉप्स को पकड़ने वाला हूँ. तो यस गाइस, आज तो आप लोग को एक ट्राइसरटॉप्स देखने को मिल ही चुका है. हालांकि ये छोटा है गाइस, बट ये बड़ा तो होगा ना ब्रो. ये ले. वैसे गाइस ये बेरीज क्या कर रहा है. कॉमन मैजेंटा बेरी फाउंड इन मैनी बुसेस, टेस्टी एंड कैन बी यूज टू मेक मैजेंटा डाइस. अच्छा इससे मैं कलर बना पाऊँगा ठीक है. एंड मेरे भुक्कर को फिर से भूख लग रहा है यार. चिकन कितना बना है चलो देख लेते हैं. ओके अब आराम से इसका पेट फुल हो जाएगा. भाई खा ले यार खा ले, तेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगता है यार मेरे भाई. इतना ज़्यादा क्यों भूख लगता है तेरे को. फिर से देखते हैं जुवेनाइल स्टेज से. ब्रो थोड़ा सा वॉक लगेगा, 5 मिनट और लगेंगे जैसे कि देख पा रहा हूँ. 5 मिनट दिखा रहा है तो 5 मिनट में गाइस ये एडोलेसन लेवल में पहुँच जाएगा. एंड गाइस मेरा तो लेवल अप शो कर रहा है, तो अब शायद से गाइस मैं क्या बनाऊँ. ओ यहाँ पे मूवमेंट स्पीड भी आ चुका है. वाओ गाइस बहुत बढ़िया चीज़ है. फिर मैं अपना ये मिली इमेज बनाता हूँ. मेरे पास कुछ पॉइंट है, पॉइंट अभी प्रिजर्व करके रख देता हूँ ठीक है. एंड गाइस एक मिनट, इसको बनाने के लिए आप आई थिंक स्टोन चाहिए होगा ना. अच्छा वुड ही चाहिए. वुड का बहुत यार दरकार है यार, वुड्स आर वेरी मच नेसेसरी इन दिस गेम मैन. ओके अब ये भी बन चुका है. ओके. अब इसका सीन देख लेता हूँ एक बार. ओ ये एडोलेसेंट लेवल में पहुँच चुका है गाइस. ओ एक मिनट गाइस, आई थिंक गाइस 100% में ये फुल्ली मेच्योर्ड हो जाएगा क्या. ओ वाओ गाइस 100% में ये फुल्ली मेच्योर्ड हो जाएगा अगर इसका आप लोग साइज़ देखोगे ना. ये देखो इसका साइज़ देखो. वाओ गाइस ये काफ़ी मतलब बड़ा बन चुका है यार. एडोलेसेंट मतलब गाइस बहुत ही बड़ा बन चुका है ठीक है. अगर आप लोग को सामने से दिखाऊंगा, एक मिनट सामने से दिखाते हैं ठीक है. ये देखो गाइस सामने से ये है मेरा साथी. वाओ तेरे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, तेरे को एक बहुत पावरफुल मैं डायनासोर बनाने वाला हूँ. एंड इसके सहारे ही गाइस मैं बहुत पावरफुल डायनासोर्स को मारने वाला हूँ. बट इसके बाद ओ तू पानी में मर जाएगा ब्रो, मर जाएगा यार. इसको थोड़ा सा ऊपर में ही ला के देता हूँ ठीक है.
कार्बोनियम्स हैज ऑल्सो लेवल अप. भाई इसका क्या बढ़ाऊँ मैं, इसका यार हेल्थ पे ध्यान देता हूँ. ठीक है, वैसे गाइस कार्बोनियम्स यार मेरे लिए यार फार्मिंग कर सकता है कि नहीं, या हार्वेस्ट कर पाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं. ओ गाइस यहाँ पे ये, ओ भाई यहाँ पे मडी है, इम्प्रिंट भी दिखा रहा है. गाइस कितना ओरिजिनल बना रहा है. एंड गाइस जैसे कि देख पा रहे हो ये तो फुटस्टेप्स है गाइस, ये कार्बोनियम्स का फुटस्टेप है ब्रो. ये तो पहले वाले आर्क में था ही नहीं यार, देख रहे हो. ये ओसन एरिया है ना, एंड ओसन एरिया में ये वाला पार्ट काफ़ी गीला होता है, गीली मट्टी होता है. तो गीली मट्टी में यार ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली अब तो मेरा भी फुटस्टेप, ओ वाओ गाइस मेरा भी फुटस्टेप यहाँ पे दिखा रहा है यार. दिस गेम इज ओपी मैन. दिस गेम इज सीरियसली लाइक रियलिस्टिक भाई, सीरियसली लाइक रियलिस्टिक. चलो जी मैं अब, ओ गाइस ये भी मेरे लिए बहुत सारे हाला दिल बोल रहा हूँ, हाले दिल भाई. हाँ यार इससे भी मैं फार्मिंग कर सकता हूँ यार. एंड मुझे सीट वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है गाइस, एक मिनट, सीट वगैरह मिल रहा है. डेट मीन्स गाइस मैं एक क्रॉप प्लान बना लो क्या, क्रॉप प्लॉट बना सकते हैं. लार्ज वाला भी बना पाएंगे क्या, बट मैंने लार्ज खोला ही नहीं. इसके लिए स्टोन और वुड चाहिए. फटाक से मैं और थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ. इसका सीन देखता हूँ एक और बार, देख लेता हूँ. ठीक है, ये बहुत बड़ा बन चुका है गाइस, जैसे कि देख पा रही है ये ऑलमोस्ट गाइस दो मिनट में पूरा ही बड़ा बन जाएगा शायद. एंड तेरे पास बेरीज वगैरह है ना, ये ले. एंड और क्या देना है तेरे को, खा ले जितना हो सके तो खा ले. ठीक है, एंड अगर तेरे को और बेरीज चाहिए तो मैं तेरे को और बेरीज ला के देता हूँ, जो कि टर्टल डेव के पास है. टर्टल डेव या तेरे पास इतना सारा बेरी है भाई डे, मुझे बेरीज का खेती करना जरूरत ही नहीं मैन. अरे इसको फिर से भूख लग गया यार, क्या हो रहा है इसको फिर से, क्यों भूख लग गया यार भाई, इसको इतना भूख क्यों, तेरे को इतना भूख क्यों लग रहा है भाई. इतना भूख तो रियल लाइफ में मेरे को भी नहीं लगता यार जितना इसको लग रहा है यार. ओके, यू आर स्टार्विंग करके फिर से आ गया मैन. चल ये ले, खा ले भूख कर खा ले. ठीक है, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मीट स्पॉयलर मुझे बनाना था. स्पॉयलर प्रिजर्विंग बिन, ये तो लेवल 18 में मैं बना पाऊंगा. मेरा अभी लेवल कितना है, मैंने अपना लेवल चेक ही नहीं करा, 16. ये प्रिजर्विंग बिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड गाइस आज मैं दो डोडोस को पकड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे अंडे चाहिए. ठीक है, एंड टू कितना बड़ा हो गया, 96 गाइस. ये और एक मिनट में बहुत ही बड़ा बन जाएगा मैन, बहुत ही बड़ा बन जाएगा. चलो जी भूख लगेगा ही, 110% इसको भूख लगेगा ही. एंड मुझे क्या बनाना था, ओ मुझे चाहिए था गाइस ऊट चाहिए था. यस, तो ऊट को कलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से. एंड गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है, प्लीज़ गाइस लाइक जरूर से करना. ठीक है, आप लोग अगर लाइक करते हो तो बहुत बढ़िया लगता है ना. आप लोग क्या सपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिखा रहे हो. इसलिए गाइस मैं बैक टू बैक यहाँ पे एपिसोड्स ला रहा हूँ. आप लोग देख पा रहे हो, एक दिन भी मैं मिस नहीं कर रहा हूँ गाइस, एक दिन भी मैं मिस नहीं कर रहा हूँ. एंड आप लोग के पास ऑसम वीडियोज़ मैं लेके आ रहा हूँ. ठीक है, एंड मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा. बस आप लोग सपोर्ट करो, बस आप लोग पूरा दिल से सपोर्ट कर देना. ठीक है, एंड चलो गाइस क्रॉप प्लॉट बनाते हैं अभी. ओके, आई कैन मेक दिस मीडियम क्रॉप प्लॉट, एक ही बना पाएंगे. चलो एक से भी काम चल जाएगा. एंड आई थिंक गाइस ये मेरा लेवल अप फिर से हो रहा है. अब गाइस जो मेरा फूड मीटर है उसको ही बनाते हैं क्योंकि बहुत ही दिक्कत दे रहा है. एंड गाइस मेरे घर में कोई भी बिस्तर है नहीं, ये सिंपल बेड बना लेता हूँ. ठीक है, कुकिंग पॉट बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे मैं केबल वगैरह बना पाऊंगा. पैरासोर सेडल नहीं, ट्राइसरटॉप सेडल, पैकी सेडल, ट्राइसरटॉप सेडल बना पाएंगे. कंपोस्ट बिन, इससे गाइस जैसे कि देख पा रहे हो इससे मैं फर्टिलाइजर्स वगैरह बना पाऊंगा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड और क्या बना सकता हूँ, ये वुडन स्पाइक वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि चारों तरफ गाइस मुझे घर के चारों तरफ यहाँ पे स्पाइक्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, एंड ओके ये तो बड़ा बन ही चुका है. छोटू तू बड़ा बन चुका है ना गाइस, अपना छोटू एकदम बड़ा बन चुका है. सो वेलकम वेलकम एंड वेलकम यार, सीरियसली अपना ट्राइसरटॉप्स बड़ा बन चुका है यार. अब गाइस मेरे टीम में एक ट्राइसरटॉप्स भी है यार. यार बेचारा ट्राइसरटॉप्स, तो तेरे को यार क्या, मैं तेरे को कुछ दिखाना चाहूँगा यार. चल अपना बॉडी ही देख ले. वेलकम टू द फैमिली यार, कैसा लग रहा है? तूने मेरे पापा को मार दिया था यार, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है. अरे गुस्सा मत हो यार, मुझे तेरे पापा को मारना ही पड़ा, तभी तो तेरे को यार मैं टेम कर पाता ना ब्रो. बट तू मेरे को डायरेक्टली भी टेम कर सकता या फिर मेरे पापा को डायरेक्टली टेम कर सकता था ना. भाई तू मेरा कंडीशन देख यार, मैं तेरे को कैसे टेम कर लेता. हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इस दुनिया में राज करेंगे. ठीक है, अरे मुझे तेरे पे और तेरे इस तीन सिंगों पे बहुत ज्यादा भरोसा है. ठीक है, बट मुझे इस कार्बोनियम से काफी नफरत है. वैसे तेरा कार्बोनियम कहाँ पे चला गया?
वैसे मेरा कार्बोनियम्स कहाँ पे चला गया, सीरियसली बता रहे हैं? ओ ये रहा भाई टर्टल डेफ, ट्राइसरटॉप्स तेरे को बहुत ज़्यादा नफरत करता है ठीक है, एंड तेरे पास कितना सारा चीज़ है, व्हाट इज दिस थिंग, ये वर्ब बड़ी का है, मिली डैमेज बनाते हैं इसका। ओके आप गाइज, मैं अब कुछ चीज़ें बनाने वाला हूँ ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाऊंगा, एंड पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चाहिए एक स्टेयर केस, वुडन स्टेयर केस ही बना लूँ क्या, यही है ना ब्रो? नहीं 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 आई थिंक ये, हाँ गाइज ये लेडर बना लेता हूँ, मुझे लेडर चाहिए था। आप गाइज घर में भी थोड़ा सा यार सुधार करना पड़ेगा ना ब्रो, एंड हाँ ये ठीक है, चढ़ ले। ओ नाइस, जैसे कि देख पा रहे हो ये है गाइस मेरा घर का ऊपर वाला एरिया, मेरा घर का ऊपर वाला एरिया इतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं पिलर बना सकता हूँ गाइस? कैन आई मेक पिलर? ओ मैं वुडन पिलर बना सकता हूँ राइट, तो वुडन पिलर हाँ मैं बना लेता हूँ, क्योंकि ये वुडन पिलर काम का आएगा मैन, एंड उसके लिए मुझे ढेर सारे ऊंच चाहिए, एंड अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट में ऊंच चाहिए फिर गाइस मुझे ट्राइसरटॉप्स सैडल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सारे उडो को ट्राइक सैडल, ये है ना ट्राइक सैडल, ट्राइक सैडल, ओ इसको खोल पाएंगे बट 12 एनग्राम पॉइंट चाहिए होगा मैन, एंड ट्राइक सैडल बनाने के लिए मेरे पास सारा कुछ चीज़ें हैं ठीक है, हाइट वगैरह बहुत कुछ है, तो आराम से मैं ट्राइक सैडल बना पाऊंगा, एंड ट्राइक सैडल बनाने के बाद गाइस मैं आराम से ढेर सारे वुडन पिलर्स बना पाऊंगा, एंड ढेर सारे वुड्स को मैं कलेक्ट कर पाऊंगा। एनीवेज चलो गाइस घर के ऊपर चलते हैं, एंड एक वुडन पिलर यहाँ पे बैठा देता हूँ। अरे इसको फिर मुझे ना इतना ज़्यादा गुस्सा पहले कभी नहीं आया है, इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया है, इसको इतना भूख कैसे लग सकता है यार, इस भुक्कर को इतना भूख कैसा लग सकता है, पूरा ही खा ले बहन, पूरा ही खा ले बहन। एंड चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा खेती बाड़ी भी करना पड़ेगा, तो खेती बाड़ी करने के लिए गाइस बेस्ट जगह रहता है गाइस ये वाला एरिया ठीक है, इस वाले एरिया में मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ, नो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट सीडेड, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी चाहिए। अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट मैन, बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट का मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्या? एंड इस भुक्कर को फिर से भूख लगेगा। एनीवेज मैं अब क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा लेवल फटाक से बढ़े, ये टोपी बना लेता हूँ, चलो गाइस एक टोपी चाहिए होगा, ये टोपी बना लेता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करूँगा, एंड पेंट ब्रश, अभी मुझे पेंट ब्रश चाहिए नहीं, बट येस मैं वुडन स्पाइक्स बना, ओ हाँ ये स्पाइक बना लेता हूँ ना मैन, ये स्पाइक बना लेता हूँ, ट्रैक कर देता हूँ। एंड गाइस आप लोग अभी देखोगे जब मैं ट्रैक पे लगा दूंगा जो मुझे चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे दिखाई गई, ये ट्रैक वाला सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगाया है मैन, ये बहुत ही बढ़िया लगाया है यार, तो साइड में हम लोग देख पाएंगे कि क्या चीज़ें मिसिंग है, तो उसके हिसाब से हम लोग चीज़ें कलेक्ट कर पाएंगे ठीक है। अब मुझे ढेर सारे ऊंट चाहिए, तो अभी के लिए तो गाइज मैं इसी से काम चला लूँगा, एंड मुझे बहुत जल्दी गाइज मेटल वाले चीज़ें भी बनाना पड़ेगा। यस ओके, बट मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ चलो बना लेते हैं स्पाइक, एंड मेरा लेवल अप शो कर रहा है ना, बहुत बढ़िया, ये थोड़ा सा स्पाइक बना लेता हूँ, 7 स्पाइक। अब गाइस मैं क्या बनाऊंगा ना, वेट पे ओके डन, वेट पे ही ध्यान दिया मैंने, एंड हाँ डायरेक्टली गाइस मेरे पास 16 पॉइंट है, डेफिनेटली गाइस आई शुड अनलॉक द ट्राइक सेडल, ये अनलॉक हो चुका है। अब गाइस डायरेक्टली मैं ट्राइक सेडल यहाँ पे बनाऊंगा, ट्राइक सेडल ओके, हाइट मिसिंग है क्या ब्रो? हाइट मिसिंग है, डेट मीन्स गाइस मुझे अदर ट्राइक को भी मारना ही पड़ेगा, इसको ही कर देते हैं क्लोज, अब थोड़ा सा हेल्थ बनाते हैं। चलो एक काम करता हूँ ना, पहले ये स्पाइक्स लेता हूँ यहाँ पे। अरे गाइस इसको फिर से भूख लग रहा है यार, गाइस इसको फिर से भूख लग रहा है, पहले तो एक काम करना हूँ, चारों तरफ गाइस मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा ताकि कोई और डायनासोर मेरे को अटैक ना कर सके। यस एंड मेरे एरिया में कोई और घुस भी नहीं पाएगा, फिर बहुत ही बढ़िया होगा। एंड गाइस यहाँ पे कांटों का आप लोग डेफिनेशन देख पाओगे, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन में गाइस ये कांटे हैं, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन में ये कांटे हैं सीरियसली। एंड मुझे थोड़ा सा ये एरिया भी चाहिए, तो हाँ ऐसे करके लेके आएंगे टर्टल डेफ, तो इधर आ चलो गाइस टर्टल डेफ की मदद से दी अदर ट्राइक को भी मारते हैं, एंड अपने छोटू को भी बुला लेंगे, छोटू आजा, हम दोनों मिल करके अब इस वाले ट्राइक को मारने वाले हैं ठीक है, लेट्स अटैक हिम, कम ऑन, ओ शिट छोटू अब मजा आने वाला है ब्रो, अब हम तीनों मिल करके इसको मार रहे हैं, तो ये फटाक से मर ही जाएगा, अरे मरेगा ही ब्रो, डेफिनेटली मरेगा,
मरेगा कमान छोटू तू कर सकता है अपना छोटू तो ओपी है मैन छोटू ही मारेगा शायद से मार बट ये जो ट्राइक है ना ब्रो ये मेल ट्राइसरटॉप्स है इसलिए इतना पावरफुल है मैन छोटू के साथ ये पंगा ले रहा है तो यही ओयो ओयो तुम लोग लड़ो मैं भी तुम लोग को हेल्प करता हूँ एरोस से मारूंगा इसको इसको पानी में मत लेके जा ओ भाई इसको मारने में इतना वक्त कैसे लग रहा है यार मर गया वेट मिनट तुम दोनों इधर आओ कम हियर यू बोथ ऑफ यू कम हियर ये लोग आ क्यों नहीं रहे यार मत बोलो कि गाइस मुझे फिर से भूख लग गया है टर्टल लेफ तू भी आ जा यार मुझे फिर से भूख लग गया ये दोनों आ रहे जल्दी से आ जा यार कितना भूख लगता है यार तुम दोनों को कितना भूख लगता है यार तुम दोनों को नहीं मतलब मुझे चलो यार इससे ले लेता हूँ यार ढेर सारे हाइट चीटिन भी मिल रहे हैं ओके आराम से गाइस जो हाइट का क्राइटेरिया है वो हो चुका है कंप्लीटेड एंड नाउ चलो गाइस यहाँ पे करता हूँ ट्राइक सेडल और हाइट हो चुका है अब ऊँट चाहिए था थोड़ा सा चलो ऊँट भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ एंड रात होने को है गाइस रात होने ही वाला है मैन एंड आई नीड ट्रीज यहाँ पे जितने भी ट्रीज है मैंने कट ही कर दिया क्या तो आगे की तरफ जाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो दो ट्राइसरटॉप्स थे उन लोगों को तो मैंने मार ही दिया मैन चलो डन लेट्स मेक द ट्राइक सेडल यस फाइनली गाइस मेरी टीम में अभी आप लोगों को एक ट्राइसरटॉप्स भी देखने को मिलेगा एंड क्राफ्टिंग स्किल बनाते हैं एंड यस ये बढ़ाते हैं अब मेरे पास कुछ पॉइंट है अच्छी तरीके से मुझे देखते हुए एनग्राम्स को खोलना पड़ेगा ठीक है एंड इसको पहना देता हूँ गाइस सैडल आ जा भाई तेरे को सैडल पहना देता हूँ तेरा तो लेवल अप शो कर रहा है पहले तो ये पहन तेरा हेल्थ बढ़ाते हैं एंड मिली डैमेज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं नाइस अब गाइस रात सर्वाइव करना पड़ेगा एंड वेट अ मिनट गाइस यहाँ पे एक पैरासोर भी घूम रहा है ना तेरे को पकड़ेंगे रुक पैरासोर बोल रहा हूँ यार तैरना तो ओके यहाँ पे भी मीट बन चुका है खा ले बे भूख कर खा ले जितना खाना है तेरे को खा ले यार कितना खाएगा ये ले और भी बना रहा हूँ गाइस इसको इतना भूख लग रहा है और क्या ही कर सकते हैं ना एनीवेज गाइस अब मुझे यार वुड चाहिए ढेर सारे वुड एंड इसको ठंडा भी लग रहा है एक काम करना पड़ेगा पहले ये वुडन स्पाइक्स वाला काम कंप्लीट करते हैं एंड वुडन स्पाइक वाला काम कंप्लीट करने के लिए वो इसका रनिंग इफेक्ट देखते हैं ठीक है लेट्स गो ओके अब चलो गैस तोड़ते हैं हाई तादाद में गैस अब भारी तादाद में गैस मैं ऊट कलेक्ट कर पाऊंगा चलो यहाँ पे मारते देखते हैं 20 ही ऊट मिला क्या मैन तू बहुत ओके इतना कम तादाद में ऊट क्यों मिल रहा है एंड ये तो यार इसका वेट तो फुल ही हो चुका है भाई एंड ये चल भी नहीं पाएगा इतना सारा चीज़ें हैं ना इसके पास चल वुड ही दे दे मैन तेरे से तो ज़्यादा मैं हाथ से ही कलेक्ट कर सकता हूँ मैन रुक जा थोड़ा सा रुक जा मैं करता हूँ कुछ ठीक है अभी रात होने वाला है एंड तू अगर तू चल ही नहीं पाएगा ना ब्रो क्या ऐसे चल पाएगा तो ऐसे तो आ पा रहा है ब्रो तेरा हेल्थ को क्या हो गया इसके हेल्थ को क्या हो रहा है इस हेल्थ इज़ गेटिंग डिग्रेडेड अच्छा इसके पास खाना नहीं था ना इसीलिए चल आ जा घर के पास आ जा जल्दी से घर के पास आ जा आग के पास रुकते हैं तो यहाँ पे ठंड नहीं लगेगा इधर आ ओके कम हियर ओके इधर ही रुक ठीक है अब इसको इधर ही रुका देता हूँ एंड स्टार्विंग इसको इतना भूख क्यों लग रहा है यार बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ करना पड़ेगा ठीक है और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गाइस मुझे एक स्टोरेज बॉक्स बनाना ही पड़ेगा हाँ एक स्टोरेज बॉक्स बड़ा सा एक स्टोरेज बॉक्स बनाना पड़ेगा जब तक कि ये स्टोरेज बॉक्स बनता है ये बन ही चुका है अब गाइस मुझे इम्पोर्टेंट वाले चीज़ें खोलना पड़ेगा तो इम्पोर्टेंट चीज़ों में और क्या क्या है गाइस वुडन डोर फ्रेम ओके इसको खोलते हैं वुडन फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ मुझे चाहिए होगा वुडन स्लोप वॉल वुडन केज वुडन ट्राइंगुलर फाउंडेशन इसको भी खोल ही लेता हूँ ओके क्वार्टर सीलिंग इसको खोल लेता हूँ अब ये चीज़ें मुझे खोलना पड़ेगा गाइस ठीक है एनीवेज चलो अब ये यहाँ पर बैठा देता हूँ एंड इससे मुझे लेना पड़ेगा इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे ये नार्कोबेरी लेना पड़ेगा मुझे और नार्कोबेरी इसके पास बहुत सारे हैं 200 300 नार्कोबेरी हैं मैन
ठीक है, सीट्स वगैरह भी बहुत सारे, टैच भी है, और क्या है जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इससे ले सकता हूँ? बाकी यार इतना सारा है यार ब्रो। ओके, नार्कोबेरी मैं डायरेक्टली इधर ही डाल देता हूँ, क्योंकि यार नार्कोटिक एरोज बनाने में काम आएगा ना ब्रो, एंड स्पॉइल मिल इधर डाल देता हूँ। ओके बन ले ब्रो, एंड मैंने बोला नहीं बनाया है ना अभी तक, तो वो भी मुझे बना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक मिनट फाइबर चाहिए उसके लिए। वेट अ मिनट, अब मेरा फिर से लेवल अप शो कर रहा है यार इस बार शायद से गाइस। यार मेरा हेल्थ यहाँ पे कम क्यों शो कर रहा है यार, 200 समथिंग में था ना मेरा हेल्थ। हेल्थ पे ही ध्यान देता हूँ, ठीक है। 25 आ गया है ये एनग्राम पॉइंट। आप तेरे पास फाइबर है क्या ब्रो? फाइबर नहीं है इसके पास। एंड गाइस मेरे इसको फिर से भूख लग गया क्या भाई? यार भूख का कुछ तो करो गाइस। सेव रूट सीट, एंड ये क्या है? रॉक कैरोट। आई थिंक मुझे यहाँ पे रॉक कैरोट ही उगाना चाहिए, तो ये रॉक कैरोट सीट इधर डाल देता हूँ। फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, कंपोस्ट बिन बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत चीज़ें बनाना पड़ेगा यार। सीरियसली बताने का, बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें मुझे बनाना पड़ेगा। एंड अब इसके ऊपर मैं राइड ले पाऊँगा कि नहीं? नहीं ले पाएंगे यार, बिकॉज कितना फूल है यार, कितना फूल है गाइस इसका मीटर। वेट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा मैन। चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं यार, वुड तो मैं हाथ से ही कलेक्ट कर लूँगा अभी, वुड तो हाथ से ही कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ओके मिल रहा है गाइस, अच्छे तादाद में मुझे वुड मिल रहा है। 240 वुड्स है ना मेरे पास, तो 240 वुड्स में मैं ऊपर का थोड़ा सा काम कर पाऊँगा, ठीक है, पिलर वगैरह बना पाऊँगा। यार आज तो बहुत सारा काम करना है यार, सीरियसली बता रहे गाइस, आज बहुत ज़्यादा काम करना है। ओह शिट गाइस, वो स्पाइनोसोरस इधर, वो स्पाइनोसोरस इधर आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। एंड यार मैं पूरा ये सिस्टम बना लूँ क्या? पहले ये स्पाइक बना लेते हैं मैन, मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है, अगर इधर स्पाइनोसोरस आ जाएगा ना तब बहुत दिक्कत हो जाएगा यार, बहुत दिक्कत हो जाएगा यार। सो उससे अच्छा गाइस पिलर वगैरह बनाने से पहले गाइस फाइबर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो फाइबर पहले कलेक्ट करके गाइस पूरा ये फेंसिंग वाला सिस्टम पहले कर लेता हूँ, ठीक है। ओके अब कितना बना पाएंगे देखते हैं। चलो ये बन रहे, और भी बन ले ब्रो। ओके ओके डन 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 डन, इट इज़ डन। ओ वुड मिसिंग है, चलो पहले 6 को तो लगा लूँ ना, पहले 6 को तो लगा लूँ। ओके इधर से लेके आएंगे, मुझे ये एरिया सिक्योर करना ही पड़ेगा मैन। ओके ओके यहाँ का फेंसिंग तो मैंने लगा दिया है, अब थोड़ा सा एरिया तो मुझे रखना ही पड़ेगा, एक दरवाज़ा बनाना पड़ेगा। दरवाज़ा बनाना बनाने में थोड़ा सा वक्त है, उससे पहले गाइस मैं मुझे वो चाहिए मैन यार, एक्चुअली ना मुझे ढेर सारे वुड्स चाहिए मैन, ढेर सारे वुड्स चाहिए। लेवल अप इज अवेलेबल, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, स्पाइक बना लेते हैं, दो ही स्पाइक बना पा रहे हैं यार, इसका मतलब गाइस फिर से गाइस फाइबर का कमी। लेवल अप भी कर लेता हूँ ब्रो, इस बार क्या बढ़ाऊँ गाइस? इस बार आई थिंक स्टेमिना बढ़ा लेते हैं। यस गाइस स्टेमिना बढ़ा लेते हैं एक, और मोमेंट स्पीड बढ़ा लेते हैं एक। अब मेरे पास 61 एनग्राम पॉइंट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज एरिया को करना पड़ेगा सिक्योर, तो ये वाला एरिया एकदम सिक्योर हो चुका है। अब इस साइड से स्पाइनोसोरस मेरे को अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ही कैन नॉट डू एनी डैमेज टू माय हाउस एंड टू माय डायनासोर्स, अब तो वो डैमेज वैमेज नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा चीज़ जो मुझे करना है वो है गाइस यार, चलो ऊपर चलते हैं, पहले तो ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर का काम भी करना पड़ेगा, एंड देन गाइस एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। पिलर बनाते हैं, पिलर और मुझे हाँ 3 पिलर से कम चल जाएगा। यप इसको इक्विप कर लेते हैं इधर,
ओके, अब एक पिलर लगाएंगे यहाँ पर, एक पिलर लगाएंगे यहाँ पर। ओके, घर का क्या डिज़ाइन देने वाला हूँ पता नहीं, बट मैं बहुत सारे पिलर यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, पिलर तो लगा दिया है, आप गाइस मुझे सीलिंग बनाना पड़ेगा, वुडन सीलिंग। ए वुडन सीलिंग हेच फ्रेम, और ये स्टेबल वुडन सीलिंग दैट इंसुलेट्स द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड एंड डबल एज ए फ्लोर फॉर हाइट। ठीक है, तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट होगा ना मैन। एंड ओके, अब वुडन वुड्स फिर से मिसिंग है। चलो देखते हैं एक बार इसको लगा करके। व्हाट गाइस, मैं इसको यहाँ पे लगा नहीं पाऊँगा क्या, इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे क्या? थोड़ा सा चीज़ को सुधार करेंगे। तो मुझे स्टेयर केस चाहिए था, एंड मैं ये स्टेयर केस एक मिनट, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर पाएंगे क्या? ओके एक मिनट, लेट मी सी। ओह ओके, अब ये सही लग रहा है गाइस, अब ये सही लग रहा है। तो एक मिनट, अब यहाँ पे सीलिंग नहीं लगा पाएंगे क्या? ओके, यहाँ पे सीलिंग लगा पाएंगे, जैसे कि देख पा रहे हो मैं यहाँ पे अब सीलिंग लगा पा रहा हूँ। ओके ओके, नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई कैन डू इट। अब इसको यार, इसको कितना भूख लग रहा है यार, खाना खा के आना पड़ेगा यार, फिर से खाना खा के आना पड़ेगा। मेरे घर का डिज़ाइन कुछ उल्टा पुल्टा बन रहा है, बट यार बाद में इसको बढ़िया बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए गाइस, फिलहाल के लिए गाइस ऐसे ही आप लोग सह लेना। ठीक है, एंड 37 आ गया है, खा ले भुक्कड़, जितना चाहिए तेरे को खा ले, पेट फुल कर ले अपना। एंड यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे ये डाल देता हूँ फिर से, एंड बन ले। एंड अब मुझे नार्कोटिक एरोज चाहिए। ओके, बहुत सारे बनाना पड़ेगा ब्रो, बहुत सारा बनाना पड़ेगा। एंड ये सीलिंग भी मुझे ढेर सारे बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, और ये यहाँ पे लगा दिया, ये 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 पूरा एरिया गैस सीलिंग से मुझे भर देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ गैस, फटाक से ये सीलिंग वाला हिस्सा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आप सभी भाइयों से मिलता हूँ। ओके, Approximately 10 hours later. Guys, ये देखो मेरा अजीबो गरीब घर यार क्या बना दिया गाइज मैंने घर को, फिर भी आप लोग को दिखाता हूँ। अगर यहाँ से मैं ऐसे चढ़ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एरिया है। आई थिंक गाइज इस एरिया में गाइज मैं कुछ यार फोर्ज वगैरह रखूँगा। एंड गाइज ऊपर के तरफ गाइज जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने एक प्रॉपर छत बना दिया है। ठीक है, एक प्रॉपर छत बना दिया है, इस छत को थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा बनाऊँगा। बट फिलहाल के लिए गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे बनाना पड़ेगा। एक मिनट गाइज, यहाँ पे मेरे पास कितने सारे एनग्राम पॉइंट्स है आप लोग देख पा रहे हो। ये पैरासोर सैडल भी मैं खोल लेता हूँ, स्टिमुलेंट भी खोल लेता हूँ, ये भी खोल लेता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सब कुछ अभी खोलने वाला हूँ। ठीक है, एंड और इचियोसोरस ये भी खोल लेता हूँ। वॉल एंड रेलिंग, रेलिंग हाँ, ये तो यार इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, रेलिंग मतलब गाइस आप लोग समझ रहे हो ना। एनीवेज नीचे चलते हैं, और रोप लेदर नहीं नहीं नहीं, वाटर इरिगेशन, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैप्टर सेडल, हाँ गाइस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोर, वुड डोर वे गाइस, ये डायनासोर गेट वे ना, गेट कैन बी ओके, ये डायनासोर गेट वे है। ठीक है, एंड ये वुड गेट है, इसको भी खोल लेता हूँ। प्रिजर्विंग बिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मछली को पकड़ने के लिए एक रॉड इसको बनाना ही पड़ेगा। फीडिंग टू पुट फूड फॉर योर नियर बाय पेट्स इन दिस डेविल अटैक एटम, ओके ये भी खोल लेना पड़ेगा गाइस। इसको बना के रख दूंगा, फिर डायनासोर्स को जब भूख लगेंगे तो वो लोग खाएंगे। स्मीट मशीन एंड रिफाइनिंग फोर्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैंने बना लिया हूँ। एंड गाइस मेटल पिक, और इसका खोलना पड़ेगा, पैरासूट खोलना पड़ेगा, जी हाँ गाइस। एंड स्टोन, हाँ स्टोन फाउंडेशन अभी खोलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, खोलेंगे, क्रॉसबो खोल लेता हूँ, एंड और क्या खोल सकता हूँ गाइस, स्वॉर्ड खोल लेता हूँ, और भी मेरे पास पॉइंट्स है, 70 पॉइंट्स अभी भी है। मैमोथ सैडल नहीं, गिली सूट, ओके सिंपल पिस्टल, ओके गाइस जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे खोलना था मैंने खोल लिया। अब गाइस यहाँ पे एक कंपोजिंग बीन बनाना पड़ेगा, इसको बना लेता हूँ। चलो गाइस, कंपोजिंग बीन क्या करे, लार्ज बीन फॉर कन्वर्टिंग थैच एंड थग इनटू हाई क्वालिटी फाइबर। ठीक है, तो गाइस इसको मैं प्लेस करूँगा, एक मिनट इसको मैं इधर ही प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर ही प्लेस कर लूँगा, लेकिन इसमें से बहुत बदबू आएगा। चलो कोई बात नहीं, ऊपर मैं थोड़ी ना मैं सोने वाला हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे यार थैच डाल लूँगा, ऐसे थैच डाल लूँगा, ठीक है, एंड पूप भी डालना पड़ेगा, एंड पूप कलेक्ट करना पड़ेगा गाइस अभी मुझे। चलो गाइस पूप कलेक्ट करते हैं, पूप कलेक्ट करने के लिए एक मिनट, ओके ओके, चलो गाइस यहाँ पे शायद से पूप
मेरे को मिलेंगे। ओके पूप मैंने कलेक्ट कर लिया। तेरा कोई लेवल अप शो कर रहा है क्या? ठीक है लेवल अप शो कर रहा है, तेरे वेट पे ध्यान देना पड़ेगा ब्रो, बिकॉज तू बहुत कम तादाद में वेट को ले सकता है। ठीक है एंड आई थिंक इसके पास भी पूप होने वाला है। चलो देखते हैं इसके पास पूप है कि नहीं। ओके गाइस मेरे इस भुक्कर को फिर से भूख लग ही गया यार। तेरे को फिर से भूख लग ही गया ना भाई, ये ले खा ले। इसके लिए ना बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा ब्रो, इसको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगता रहता है। वैसे भूख लगेगा ही है ना, क्योंकि गाइस मैं इसको इतना काम करवा रहा हूँ तब से। ओके अब ये यहाँ पे डाल देता हूँ, हाई क्वालिटी फाइबर बना पाएंगे फिर। इसको थोड़ा सा बनने में वक्त लगेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक गाइस फर्टिलाइज़र मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, उसके लिए आई थिंक मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली फर्टिलाइज़र की जगह ये पूप भी तो डाल पाऊंगा ना ब्रो वहाँ पे क्रॉप प्लॉट पे। चलो गाइस देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूंगा पूप, पूप से भी काम चल ही जाएगा है ना। फर्टिलाइज़र ही डालना पड़ेगा क्या? है नहीं, वाटर प्लांट विल ग्रो ओवर टाइम। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं गाइस बहुत चीज़ें करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लेते हैं, ये जो है एंड इसको भी ले लेता हूँ। हाँ ये जो है ये इस पे डाल देते हैं, क्योंकि मुझे सीमेंटिंग पेस्ट बनाना पड़ेगा अभी। स्टोन है कि नहीं मेरे पास? 9 स्टोन है। कितना बना पाएंगे? कितना बना गाइस सीमेंटिंग पेस्ट? 3 बना। इसको इधर डाल देते हैं। ओके अब मैं थोड़े से हाई तादाद में गाइस ट्रैंक्विलाइजर एरोज भी बना पाऊँगा। ठीक है मुझे थोड़े से स्टोन चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ गाइस ये जो क्रॉप का काम है ये कर ही दूँ। ठीक है क्रॉप का काम मैं कर ही देता हूँ। चलो गाइस पत्थरे चाहिए मेरे को। अरे यार ये टूट गया यार, टूट गया। अब मुझे लकड़ियाँ चाहिए होगा आई थिंक। अच्छा थैच चाहिए, ठीक है थैच कलेक्ट कर लेते हैं। चलो मैं एक्चुअली एक्सप्लोरेशन के लिए अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं पहले अपना घर का काम पूरा संपूर्ण करना चाहता हूँ। ठीक है एक बार घर का काम हो जाता है फिर गाइज मैं आराम से चीज़ें कर लूँगा ना ब्रो, फिर मैं आराम से चीज़ें कर लूँगा। ओके थैच ओके बन ले, फिर मैं इस तरफ जाऊँगा। ठीक है एंड एक्सप्लोरेशन के लिए डेफिनेटली गाइज एक मुझे ये डायनासोर चाहिए होगा, उड़ने वाला डायनासोर। ढेर सारे पत्थरें चाहिए मेरे को, ढेर सारे पत्थरें चाहिए। मैं सोच रहा हूँ गाइस ये बना लूँ क्या, पहले स्मिथ मशीन बना लूँ क्या? गाइस स्मिथ मशीन मेटल इंगोट भी चाहिएगा, पहले एक काम करते फोर्ज बना लेते हैं ना। एंड इसको फिर से भूख, गाइस इसको फिर से भूख लग रहा है यार, इसको फिर से भूख लग रहा है यार। कितना भूख लगेगा तेरे को यार, ये ले खा ले। फोर्ज बनाने के लिए मुझे हाइट भी चाहिए होगा ना, तो मुझे दूर में एक दिखाई दे रहा है 65 हाइट, दूर में दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक ट्राइसरटॉप्स, उसको ही मारना पड़ेगा, उसको मारेंगे ब्रो। चल चोटू तेरे को लेकर के जाना। ये तो अभी भी जा नहीं पाएगा ब्रो, ये तो अभी भी जा नहीं पाएगा। काम करते थोड़े से स्टोन एरोज ही मैं बना लेता हूँ। ठीक है मैं खुद से ही मारने वाला हूँ उस ट्राइसरटॉप्स को, मैं खुद से ही मारूंगा उस ट्राइसरटॉप्स को। लेट्स गो, लेवल अप इज अवेलेबल। मैं मिली डैमेज बढ़ा देता हूँ गाइस। अब चलो गाइस बिंदास तरीके से जाएंगे एंड उस ट्राइसरटॉप्स को मारेंगे। ओके मैं लेवल 35 में पहुँच चुका हूँ यार, वाओ। नहीं नहीं गाइस मैं इसको भी ले चलता हूँ। चलो मेरा टर्टल डेफ मुझे हेल्प करेगा। चल टर्टल डेफ यार मेरे वेट के कारण आई थिंक मैं, ओ हाँ यही है गाइस, मेरे वेट के कारण ही गाइस मैं इसके ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ। इसको ट्रांसफ़र 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 ट्रांसफ़र। ओके ये भी यार बेरीज वगैरह मेरे को चाहिए नहीं अभी। ओके अब मैं आराम से इसके ऊपर जा पाऊँगा, लेट्स गो। बट फिर भी बहुत ही धीरे करके जा रहा हूँ यार। लेट्स गो बडी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अगर उसको मैं मार दूंगा तो मेरा हाइट वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाएगा एंड मुझे ढेर सारे हाइट मिल जाएंगे। ठीक है सो लेट्स गो। भाई तू कितना स्लो है यार पानी में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड मैं अपना ये एरो भी निकाल ही लेता हूँ। क्या मैं यहाँ से भी इसको हिट दे पाऊँगा? नहीं दे पाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे। यहाँ से शायद से लगा पाएंगे। लगा। अब ये अटैक करने के लिए आएगा, आने देता हूँ। गाइस ये सर्ज अटैक कर रहे। आ जा पानी में, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा दोस्त, पानी में तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऊपर से तू मरेगा मैन। आ जा आ जा आ जा
आजा। और ये भाग रहा है यार, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये मरेगा। शिट, मर गया ना, मर गया। चलो फटाक से इसको कटिंग करते हैं। हाइट का क्राइटेरिया हो चुका है कंप्लीट। कंप्लीट हुआ कि नहीं फिर से और एक बार देख लेता हूँ। फोर्ज के लिए हाइट चाहिए मुझे कितना। हाइट का क्राइटेरिया हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे फाइबर और ये चाहिए। चलो गैस फोर्ज फटाक से बना लेते हैं। लेट्स गो। फोर्ज बनाने के बाद गैस मैं मेटल इंगोट बना पाऊंगा एंड देन गैस मैं स्प्रिंट मशीन बना पाऊंगा, ठीक है। एंड वो जो स्पाइनोसॉरस आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, मैं उसको बहुत जल्द पकड़ने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं इसको पकड़ूंगा फॉर श्योर। एंड एक ट्रैप बना के पकड़ूंगा शायद से, देखते हैं क्या करूंगा। विल सी हाउ कैन आई टेम हिम। पर वो चाहिए, कितना विशाल का ही है मैन। एंड स्पाइनोसॉरस का यार डिटेलिंग बहुत बढ़िया बन गया है यार। भाई तू बहुत स्लो है, तू एक काम कर, मेरे को फॉलो कर। कम ऑन, कम हियर। इधर आ, इधर आ। हाँ, एंड तुम दोनों साथ में रहो। अब चलो गाइस मैं आराम से फोर्ज का काम कर पाऊंगा। यहाँ पे पत्थरें ले लेता हूँ, फ्लिंट ले लेता हूँ, वुड भी चाहिए होगा ना। अब देखते हैं फोर्ज आराम से बना पा रहे हैं, आराम से बना पा रहे हैं गाइस। बन चुका है। चलो गाइस अब फोर्ज लगा लेते हैं एकदम। फोर्ज लगाएंगे ऊपर वाले सेक्शन पे नहीं, फोर्ज यहाँ पर लगाएंगे। फोर्ज लगाते हैं यहाँ पे। चलो गाइस नहीं यार ऊपर में लगाऊंगी, यहाँ पे लगा देते हैं एक लगाते हैं। एंड मेटल चाहिए होगा, मेटल है मेरे पास थोड़ा बहुत, ये वुड डाल देता हूँ पहली बार। एंड देन गाइस मेरे पास सिर्फ दो ही मेटल है वैसे। बेस्ट मेटल कलेक्टर है गाइस एंकियोलोसॉरस, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। मेरे पास सिर्फ दो ही मेटल है जैसे कि देख पा रहे हो। चलो और थोड़ा सा मेटल कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पानी वाले पत्थर है यहाँ से मिलेगा मुझे मेटल, जैसे कि देख पा रहे हो मुझे मेटल मिल रहा है। एक ही मेटल मिला यार, यहाँ से मिलेगा शायद। नहीं, फिर से भूख लग ही गया। इसको खा ले ब्रो, खा ले, जितना खाना है तेरे को खा ले, ठीक है। ओके, एक मेटल, दो मेटल मिल चुका है। अब गाइस आई थिंक मेरे पास टोटल 6 मेटल है, बहुत बढ़िया। अब 6 मेटल को कन्वर्ट करके फटाक से गाइस ये स्मिथ मशीन वाला काम कर लेता हूँ। लेट्स गो। ओके, इसको करते ट्रांसफर, इसको करते लाइट। ओके, ये बन रहा है। अब चलो गाइस देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैं और बना सकता हूँ, ठीक है। ये स्पाइक वॉल का मुझे कर लेना चाहिए क्या। व्हाट इज़ दिस थिंग, रेलिंग। हाँ ये भी बना ही। हाइट वाला स्मिथ मशीन बनाने के लिए हाइट चाहिए क्या, देखते हैं। हाइट चाहिए होगा, तो हाइट अभी खर्चना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, बोलास बना लेते हैं, ठीक है। दो बोला मैंने बना लिया। फिशिंग रॉड बनाना पड़ेगा। बोला इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे एक टेरानोडॉन चाहिए। और देखते हैं गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बनाऊंगा। फायर प्लेस चाहिए क्योंकि गाइस इससे यार घर में एक वार्म आएगा, मतलब एक हीटिंग आएगा एंड उससे मुझे ठंडा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड ये भी बना लेना, इससे ये अभी नहीं बना पाएंगे मैन, ये अभी बना नहीं पाएंगे। फीडिंग थ्रू ये बना लेना पड़ेगा। वाटर इरीगेशन ये तो बनाना ही पड़ेगा ब्रो। इसको एक तो मैंने बना दिया है, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से इसको पानी से कनेक्ट करूँगा ना ब्रो, पूरे इस एरिया को ये, हाँ पूरे इस एरिया को ये पानी देने वाला है। एक रिस्क लेना चाहूँगा गाइस, और वो रिस्क है कि गाइस पहले तो ये यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से। क्या गाइस मुझे यार स्पाइनोसॉरस को टेम करना चाहिए। अब मेरे पास थोड़े बहुत एरोस तो है ट्रैंक्विलाइजर वाले, ठीक है। 15 ट्रैंक्विलाइजर एरोस है। ये और बन रहे हैं, इसका मतलब गाइस मैं और बना पाऊंगा, और एक बना पाऊंगा। यस गाइस 18 है, 18 से आई थिंक काम हो जाना चाहिए। हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। तेरा कोई लेवल अप वेवल अप
दिक्कत ये है ना ब्रो कि स्पाइनोसोरस बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं यार, एंड स्पाइनोसोरस से मैं तेज भी नहीं हूँ। एनीवेज चलो गाइज देखते हैं कि क्या गाइज मैं स्पाइनोसोरस को टेम कर पाऊँगा, पर मैं मरूँगा यार, मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो स्पाइनोसोरस। अरे यार इसको इतना भूख क्यों लगता है यार, तब से इसको खाने पे खाने ही खिलाया जा रहा हूँ मैं। ओ वो स्पाइनोसोरस तो इधर आ चुका है गाइस, स्पाइनोसोरस तो इधर आ चुका है यार। अगर मैं उसका लेवल देख पाता ना तब थोड़ा सा अच्छा होता। मैं फटाक से गाइस ये सीलिंग क्रिएट कर लेता हूँ पहली बार। सीलिंग क्यों मार रहा हूँ यार, स्पाइक वुड एंड वुड्स मिसिंग है, ठीक है। ये स्पाइनोसोरस मेरे घर में घुस ही जाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बना लिया है, ठीक है, स्पाइक्स, ताकि ये मेरे घर में ना घुसे, एंड मुझे बैरियर लगा देना पड़ेगा ब्रो। बस और एक सीलिंग मुझे, और एक गाइस स्पाइक का ज़रूरत पड़ेगा मुझे, और एक नहीं गाइस और थोड़ा सा तो चाहिए। कितने लेवल का है गाइस वो स्पाइनोसोरस, ये मेन प्रॉब्लम है कि गाइस ये कितने लेवल का है भाई। एकदम रियलिस्टिक है ये ब्रो। कैन आई टेम हिम, आई डोंट थिंक सो आई कैन टेम हिम यार। सोच तो रहा हूँ कि गाइस उसको टेम कर लूँ, बट मुझे नहीं लग रहा है कि गाइस मैं अभी स्पाइनोसोरस को टेम कर पाऊँगा। चलो अभी ढील लेता हूँ, अभी उसको नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा ना मैं अपने आप को और ज़रा स्ट्रांग बना लेता हूँ, एंड देन गाइस आई विल सी, ठीक है। ओके लेट्स गो। अब तक तो शायद से गाइस मेटल इंगोट बन ही चुका होगा, तीन ही मेटल इंगोट बना पाए क्या? स्मिथ मशीन के लिए यार पाँच चाहिए और मतलब मुझे मेटल कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो एक काम करता हूँ, पहले तो यार मैं ना हाइट वाला क्लोथ बना लेता हूँ, एंड देन गाइस उस स्पाइनोसोरस को अटैक करने के लिए जाता हूँ, क्या कहते हो गाइस? वो भी कर सकता हूँ, टर्टल डेव के ऊपर बैठता हूँ एंड यार ये मर जाएगा शायद से। यार तेरे पास हेल्थ 2435। गाइस मैं डेफिनेटली गाइस उस स्पाइनोसोरस को टेम करूँगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आज के एपिसोड में मैं उसको टेम कर पाऊँगा, ठीक है। आज के एपिसोड में मैं उसको टेम नहीं कर पाऊँगा, बट नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको डेफिनेटली टेम करने वाला हूँ। बाय हुक और क्रूक आई एम गोइंग टू टेम दिस स्पाइनोसोरस। अगर स्पाइनोसोरस अपने टीम में होगा ना ब्रो, फिर गाइस एक भाई ख़त्म हो जाएगा ब्रो। फिर मैं इसके ऊपर बैठ करके पूरा यार पूरा जंगल एरिया सर्च कर पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली है। यस गाइस तो चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। अगले एपिसोड में मैं स्पाइनोसोरस को टेम करने वाला हूँ। आज के एपिसोड में मैंने थोड़ा बहुत घर का काम करा, यहाँ पे मैंने ट्राइसराटॉप्स को पकड़ा, ठीक है। अब टर्टल डेव भी अपना थोड़ा सा शक्तिशाली बन चुका है, बट ट्राइसराटॉप्स को पकड़ना अभी के लिए मेरे लिए थोड़ा सा संभव है नहीं। इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ें बनाना पड़ेगा गाइस। एंड इसको फिर से भूख लग रहा है यार, इसका भूख का कुछ करना पड़ेगा यार। चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, आप लोग अच्छे से रहो, मज़े में रहो, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। एंड गाइस हाँ ये बॉडी तो देखते जाओ ब्रो। चलो गाइस मिलते हैं, लव यू। एंड एक मिनट गाइस ये भी देखते जाओ, मैंने यहाँ पे लगाया था ना ब्रो, यहाँ पे ये उग कैसे गया यार? वाटर तो आ रहा है गाइस, क्योंकि अब यहाँ पे ना टेप वेप नहीं चाहिए गाइस आजकल, आप लोग को दिखाऊंगा। एक मिनट, अगर इसका एरिया देखना है, सो रेंज ये देख सकते हो, रेंज इतना एरिया तक गाइस ये पाइप कवर कर लेता है, ये तो गाइस न्यू फीचर है ब्रो। अब गाइस यहाँ पे टेप वेप नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे पाइप लगा देंगे ना ब्रो, तो डायरेक्टली गाइस हम लोग खेती वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे यार उग रहा है, आराम से उग रहा है, आई थिंक गाइस ये उगेगा ही, उग जाएगा गाइस यहाँ पे। ये सेव रूट मैंने उगाया है गाइस, फर्टिलाइज भी हो रहा है गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो सीडिंग हो रहा है, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वर्क लग रहा है। चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मिलते हैं अब तो, मिलते हैं, रुक जा तेरे को पूरा ही खाना खिला देता हूँ, ये ले नौ के नौ खा ले भूख कर, मिलते हैं गाइस, लव यू, बाय बाय, फिर से बाय बाय कर रहा हूँ यार दो बार।